चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बेसिक टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिकली एक लैटिन वर्ड नोमेन से आया है, जिसका मतलब ही होता है नाम। हम लोग के आसपास में जितने भी चीज़ें हैं लाइक पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, उस सभी को हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे नाम्स दिए हुए हैं ताकि उसे हम लोग डिनोट कर पाएँ। सो हम लोग के आसपास जितने भी चीज़ें जैसे कि हम लोग इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ हम लोग के थिंकिंग या फिर कुछ आइडियाज़, वो सभी कुछ ना कुछ नाम दिए हैं और उस सभी को हम लोग कहते हैं नाउन्स। फॉर एग्जांपल कार, वाटर, पेंसिल, लाइट, फोन्स, कैपिटलिज्म्स, सो ऑन। नाउ मूविंग अहेड टू द प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वैसा नाम होता है जो कि पर्टिकुलर आदमी या फिर पर्टिकुलर प्लेसेस को दिया जाता हो, मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को डिनोट करने का नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल बराक ओबामा, एथलीट्स लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ऑल दीज नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स। मूविंग अहेड टू द कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि जब हम भी किसी भी एक ग्रुप्स को एक ऑर्डिनरी सा नाम देने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, किसी भी क्लास के हम लोग अगर स्टूडेंट को डिनोट करना चाहेंगे तो क्या हम लोग कभी भी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के नाम को यूज़ करते हैं? नो, वी यूज़ अ कॉमन टर्म्स लाइक स्टूडेंट। सो दीज आर कॉमन नाउन्स। नाउ मूविंग अहेड टू द कंक्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो कंक्रीट नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो हम लोग के आसपास जितने भी मटेरियल्स होते हैं या फिर जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सभी को हम लोगों ने कुछ ऐसे नाम्स दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, मिल्क, ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज वॉट? मटेरियल नाउन्स। सो जितने भी चीज़ें जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो उन सभी को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका ठीक उल्टा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वैसे फीलिंग्स या फिर वैसे आइडियाज़ होते हैं जिससे कि हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग उसे ना ही देख सकते हैं और ना ही उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं। सो ऑल दिस फीलिंग्स एंड आइडियाज़ आर नोन एज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स ऑनेस्टी, एंजाइटी, फीलिंग्स लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, सो ऑल दिस वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और सारे एग्जाम्पल जैसे आप लोग पॉज करके देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि कुछ आयरन्स हो गए, गोल्ड्स हो गया, प्लेटिनम्स, हम लोग के जितने भी आसपास शुगर, राइस, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज व्हाट? मटेरियल नाउन्स। जितने भी पदार्थ होंगे वो सभी मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। तो वैसे नाम्स जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को दिए जाते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स को दिए जाते हैं, ग्रुप ऑफ हम लोग को कम्युनिटी को दिए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जांपल फैमिलीज, हर्ड्स, क्लासेस, ट्रूप्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन्स के, जैसे कि लायंस का प्लेज, एंट्स के आर्मीज। सो ऑल मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, और इसे याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स का या फिर क्लासेस के एग्जाम्स का तैयारी कर रहे होंगे। नाउ मूविंग अहेड, नाउन किसी भी सेंटेंस में दो रूप में आ सकते हैं। पहला, नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय प्ले इन द गार्डन, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉय भी एक सब्जेक्ट है और गार्डन भी एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल नाउ नेक्स्ट मूव एग्जांपल इज थॉमस लॉसेस हिज वैलेट। तो थॉमस एक लड़का का नाम है, तो ये क्या हुआ, एक सब्जेक्ट के रूप में भी आया और वैलेट क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आया।